ये कहानी है दो दोस्तों की जो नौकरी के चलते अपने घर से दूर रहा करते थे। यार अगले हफ्ते दुर्गा पूजा स्टार्ट होने वाली है। मैंने तो पैकिंग भी स्टार्ट कर दिया है। तू भी जा रहा है ना अपने घर? पागल है, दुगने पैसे मिलेंगे और ओटी के अलग से, और इसी से तो इमेज बनेगा बॉस के पास और प्रमोशन पक्का। मैं तो कहता हूँ कि तू भी घर मत जा इस बार, क्या कहता है? तू नहीं समझेगा। क्या नहीं समझूंगा, पैसे सबसे जरूरी है जिंदगी के लिए। हर साल एक बार ही दुर्गा माँ अपना घर काम सब छोड़ छाड़ कर इस धरती पर आती है, इसलिए हमसे मिलने के लिए ना। अगर वो आ सकती है, क्या हम अपने माँ से मिलने अपने घर नहीं जा सकते? इतना तो कर ही सकते हैं ना, क्या कहता है? ये सब ना बेकार की बातें हैं। देख नहीं रहा छुट्टी के दिन भी काम कर रहा हूं, किस लिए? हाँ यस सर, आई विल डेफिनेटली फिनिश इट बाय टुडे सर, थैंक यू। ऐसे चलती है लाइफ, एक बार प्रमोशन मिल जाए फिर देखना क्या लाइफ बनती है। मैं तो फिर से कहता हूं तुझे, सोच ले मत जा घर। तू नहीं समझेगा। खैर छोड़, आज तो छुट्टी है, चल गई घूम के आते। पागल है, सीरियस बन, लाइफ इतना आसान नहीं है। खुशी तभी आएगी जब जेब में पैसे होंगे। पैकिंग शुरू हो गई तेरी, जा रहा है क्या आज? फिर से सोच ले, हॉलीडे के दुगने पैसे मिल जाते और प्रमोशन भी पक्का हो जाता, सोच ले। तू नहीं समझेगा। खैर छोड़, सुन अपना ख्याल रखना ठीक है ना, और पूजा के टाइम पे मम्मी जी को एक बार कॉल कर लेना, अच्छा लगेगा उन्हें। काम से फुर्सत मिले तो कर लूंगा, पर तेरे लिए माँ के हाथों का बना अचार लेते हुए आऊंगा ठीक है ना, तुझे बहुत पसंद है ना रोटी के साथ। चल निकलता हूं, गले नहीं मिलेगा। भाई यहाँ वर्क फ्रॉम होम का भी दुगना मिल रहा है और प्रमोशन भी पक्का लग रहा है, तुझे क्या मिला घर जाके? खुशी, दोनों माँ से मिलने का। तूने आंटी जी को फोन किया? अरे नहीं, टाइम कहा ये सबका? तू नहीं समझेगा। और बेवकूफ है तू, यहाँ इतना कुछ मिल जाता गवा दिया तूने सब। भाई बहुत अकेला महसूस हो रहा है, भाई मम्मी की याद भी आ रही है, प्रमोशन भी रुक गई है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, तू जल्दी आ जा भाई। मैंने क्या कहा था, तू नहीं समझेगा। अब जब समझ ही गया है तो मेरे फोन रखते ही मम्मी जी को फोन कर लेना, देखना मन हल्का लगेगा। हे माँ, अगले साल और जोश और उमंग लेते हुए आना। ऐसे खुशी के पलों में घर वाले हमारी राह ताकते हैं, इन पलों को कभी ओझल होने न दे। आखिर हमारे परपोतों को इन पलों में हमारे दुर्गा पूजा की कहानी भी तो सुनानी है। खुशी क्या होती है अगर किसी काम से किसी दूसरे के मुंह में हंसी और हमारे मन को संतुष्टि मिले, वही तो खुशी होती है ना। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल होना। चलो मैं जहां जा।